प्यारे बच्चों, कल हमने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन सीखे थे और हमने दो तीन प्रॉब्लम्स करी भी थी। आज फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेंगे। आइए पहले एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें तीन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये क्वेश्चन है कि ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, तो हमें बताना है x की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए पहले हमें लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं क्या वो मल्टीप्लीकेबल हैं, और मल्टीप्लीकेबल हैं तो उनको हमें बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 × 3, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3, और तीसरा जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 3 × 1। तो क्योंकि कभी भी हम एक साथ तीन नंबर्स को जैसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें मिलेगा, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं और मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, यहां नंबर ऑफ रोज 3 है। तो अब जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 × 3, एक रो होगी, तीन कॉलम होंगे। तो जो पहली रो में पहले कॉलम वाला एलिमेंट यानी 1 होगा वो इनको मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, तो वो होगा 1 × 1 यानी 1, 2 × x यानी +2x +15। ये a11 है। अब a12 पहली रो का दूसरा रो, 1 × 3 यानी 3 प्लस x × 5 यानी 5x और 1 × 3 अगेन 3। अब a13 की फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम, 1 × 2 यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस 2। तो ये हमारा पहले दो मैट्रिक्स का रिजल्ट है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 1, 2x से, और ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर है। दरअसल हमें अभी जीरो मैट्रिक्स के बारे में ऑर्डर के बारे में नहीं पता, वो अब हमें मालूम चलेगा कि अब इसका ऑर्डर 1 × 3 है और इसका ऑर्डर 3 × 1 है, यानी कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है और 1 × 1 का मैट्रिक्स आएगा, यानी सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो जीरो मैट्रिक्स हमारा है उसका एलिमेंट जो होगा एक ही होगा, वो जीरो होगा। इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, ये होगा 2x प्लस 16, 5x प्लस 6 और x प्लस 4। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1, 2x से, और अब यहां पर हमने देखा कि 1 × 1 का मैट्रिक्स आएगा तो उसमें एक एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। अब एक ही एलिमेंट आना है क्योंकि ये 1 रो 1 कॉलम, 2x प्लस 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2x प्लस 16 होगा, 5x प्लस 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10x प्लस 12 होगा, प्लस में x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 4x और इक्वल टू 0। अब इनको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x, 4x और 2x यानी कि 16x। उसके बाद नंबर्स देखें, 16 और 12, 28 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों को सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी। एक बार फिर हम समझ लें, ये हमें मैट्रिक्स दिए हुए थे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 प्लस 2x प्लस 15, 3 प्लस 5x प्लस 3, 1 प्लस 2x प्लस
ये जब आएगा 2 प्लस एक्स प्लस 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 एक्स के साथ, इनको सिंपलीफाई करेंगे 2x प्लस 16, 5x प्लस 6 और 4 प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 एक्स के साथ में। तो 2x प्लस 16 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये 10x प्लस 12 होगा, x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। जब इनको हम कंपाइल करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लें और x की वैल्यू फाइंड कर लें। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देते हैं जो हमने साइड में लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस अक्सर हमारे पेपर में आते हैं और 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। हमें मैट्रिक्स दिया जाता है, ये मैट्रिक्स ए है, तो हमें फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करना है जहां फंक्शन एफ एक्स का रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 है। इस तरह की जो एक फंक्शंस हैं, ये मैट्रिक्स फंक्शंस हैं, तो यहां पर हमें दिया हुआ है कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, हमें एफ ए फाइंड करना है। ए यहां पर मैट्रिक्स है, तो एफ ए का मतलब होगा ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 7। अब आपको ध्यान ये देना है कि ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, 5 इंटू एक और मैट्रिक्स है, लेकिन 7 एक नंबर ही है, तो मैट्रिक्स में कभी भी नंबर ऐड या सबट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो मैट्रिक्स में सिर्फ मैट्रिक्स ही ऐड होगा, तो इसलिए हम इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 टाइम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स हमें यहां दिया हुआ है कि 3 1 -1 और 2। ए स्क्वायर मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स की जो पावर्स फाइंड करनी होती हैं, तो उस मैट्रिक्स को उतनी बार ही मल्टीप्लाई करना होता है। ए स्क्वायर का मतलब है ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करना, ए क्यूब का मतलब है ए को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ना कि उसके नंबर की पावर करना। तो यहां पर ए स्क्वायर का मतलब होगा कि ए मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करें, यानी 3 1 -1 2 को इसी से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, तो जो मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 इंटू 2 का होगा। वो मैट्रिक्स क्या होगा, पहले हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लिखते हैं, तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 प्लस 1 इंटू -1 यानी 9 -1। A12 इसकी फर्स्ट रो, इसका सेकंड कॉलम, 3 प्लस 2। अब सेकंड रो के एलिमेंट लिखेंगे, पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 इंटू 3 यानी -3 और माइनस। अब A22 -1 प्लस 4। जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 8 5 -5 और 3, ये ए स्क्वायर। इसलिए हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस 5 a प्लस 7। है ए स्क्वायर का मतलब हुआ 8 5 -5 3। -5a यानी 5 को a से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा a है। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5, -5 और 10 आ गए। 7i का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 7 0 0 7, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 होगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब इसको सॉल्व करें, पहले और तीसरे को प्लस करना है और उसमें से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस करना है, तो 8 प्लस 7 15 और 15 में से 15 ही माइनस करेंगे, 0 5
और 0 5 हुआ, उसमें से 5 माइनस करा 0, माइनस 5 प्लस 0 करा माइनस 5 और फिर उसमें प्लस 5 ऐड कर दिया तो 0। इसी तरह से 3 और 7 10, 10 माइनस 10 0, तो ये हमारा एफ ए हो गया। अब आप देख सकते हैं इसका हर एलिमेंट 0 के बराबर।